जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स में आपको लिखना है जय श्री महाकाल। हम आज बात करने वाले हैं भगवान की कृपा के ऊपर। कितने सारे कमेंट्स मैंने इस विषय पर, कई बार आपको जानकारी भी दे दी है, कितने सारे कमेंट्स इस विषय को लेकर आते हैं कि हम पर भगवान की कृपा है या नहीं है, हम पर भगवान की कृपा क्यों नहीं होती, हमारे में हमारी किस्मत क्यों साथ नहीं देती, और इससे लेकर बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उन सभी डाउट को मैं छोटे से वीडियो में आपके क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, हर व्यक्ति जो इस दुनिया में जन्म लिया है, सब पर भगवान की कृपा है, लेकिन हम उसके चीज़ों का या उसके आदेशों का पालन नहीं करते, और हम हमारे दिमाग, बुद्धि और जितनी भी हमारे अंदर जो राजनीति भरी हुई है उससे हम उस के खिलाफ होते हैं, और वही चीज हमें देखने को मिलती है। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। और पॉजिटिविटी जो सबसे मेन है, आप इस अपने दिमाग में अपने अंदर इस बात को बिठा लें कि हम पर ईश्वर की कृपा है, उस पर पूरी श्रद्धा रखें, पूरी विश्वास रखें। पूरा श्रद्धा और विश्वास एक बहुत बड़ा शब्द है। हम केवल मतलबी जो काम करते हैं कि हमारा काम निकल गया, ठीक है, हम थोड़े अमीर हो गए, थोड़ा जीवन अच्छा हो गया, तो कोई मतलब नहीं। जब हमें डर लगता है तब ईश्वर के पास जाते हैं। तो ये जो टेंडेंसी, इसे बदलने की आवश्यकता है। आपको केवल और केवल एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। आप सरल हैं, सहज, लोगों की मदद करते हैं, बहुत बड़ी बात है, और यही ईश्वर की कृपा के संकेत है। और ईश्वर की कृपा हर एक व्यक्ति पर है, तभी ये जीवन है, तभी हम यहाँ पृथ्वी पर जन्मे हैं। इसलिए इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा ले कि ईश्वर के हम पर कृपा है। बस इस चीज का, अपने इष्ट का जप करते रहे, और पॉजिटिव माइंड सेटअप हमेशा रखें, सब अच्छा होगा। अच्छा लगा हो लाइक करें, और कोई भी आपकी राय हो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री महा।